व्हाट्स अप गाइस, दिस इज कुशल जायसवाल। तो आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ, कुछ अलग जगह जा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को देखते रहना भाई, आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये कुछ नया जगह है, मतलब नया जगह मतलब समझो एडवेंचरस जगह है, तो एडवेंचर करने के लिए ही जा रहा हूँ मैं। तो मजा आएगा इस व्लॉग में, देखते क्या क्या चैलेंजेस आता है, तो वीडियो को देखते रहना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, जाने का टाइम हो गया। मैंने बैग सबसे यार लिया है, ये थोड़ा मेरा बैग हो गया, फिर ये बैग हो गया पहाड़ वाली जगहों पे। तो अभी खैर सुबह का 8 बज रहा है और मतलब नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है वो जगह। तो कहाँ जा रहा हूँ कोई गैस, तो देखते रहो वीडियो को। और भाई वीडियो को देख के बताना कैसा लगा, लाइक करके जाना। मैं जा रहा हूँ लास्ट बॉर्डर, आप समझ जाओ मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे लोकेशन से लास्ट बॉर्डर कहाँ पड़ता है वो आपको नहीं पता है, तो मैं कहाँ रहता हूँ ये आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम में आपको पता चल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऊपर में आ रहा होगा। और चलो चलते हैं। और आपने नहीं देखा है दुबई वाला व्लॉग, तो उसको देखना और कैसा लगा उस वो भी कमेंट करना भाई। उसमें उतना व्यूज नहीं आया, आप लोग देखो बहुत मेहनत करके बनाया है उस वीडियो को। इंटरनेशनल ट्रिप था ना, दुबई में गया था मैं, मतलब कि मेरा बैग जितना भी है ना सामान मतलब एक्सेसरीज से भरा हुआ है। ड्रोन भी ले जा रहा हूँ मैं, वहाँ पर ड्रोन शॉट लूँगा भाई, बहुत मजा आएगा वहाँ में। अगर ड्रोन वीडियो अगर मिल जाता है जगह कहीं अच्छा से बनाने का भाई, बहुत मजा आएगा ड्रोन शॉट लेने का। और बस, और वहाँ मैं सबसे पहला बात बता दे रहा हूँ आपको, वहाँ में नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, मतलब कि वहाँ में नेट नहीं काम करेगा, कॉलिंग भी बहुत मुश्किल से होगा। चलो बैकपैक तो मैं रेडी कर लिया, अपना सारा चीज़ रेडी कर लिया हूँ, सोने से लेके कंबल से लेके हर एक चीज़ रेडी कर लिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जहाँ जा रहे हैं ये एक टाउन है, और ये टाउन का नाम है काकोपथार टाउन। और इस टाउन में हम लोग यहाँ पे अभी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही हम लोग निकला था, तो अभी यहाँ में ब्रेकफास्ट कर लिए हैं। और यहाँ में थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि लोग सब घूम रहे हैं। ये टाउन छोटा सा टाउन है काकोपथार, मैं आपको कैमरा फ्लिप करके दिखा रहा हूँ भाई। जर्नी जो होगा ना वो थोड़ा खतरनाक होने वाला है, थोड़ा टफ होगा, ईजी नहीं है जर्नी। यहाँ से जो स्टार्ट होगा ना जर्नी, तो जो भाई दिरांग गेट मिलेगा हम लोग को, वो गेट अरुणाचल बॉर्डर पास मिलता है, मतलब असम और अरुणाचल का बॉर्डर से कनेक्ट होता है, तो वो बॉर्डर हम लोग का गेट रहेगा। वो उस वहाँ से हम लोग को एक पास बनाना पड़ता है या फिर चेक होता है वहाँ में। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आप अपना कैरी कर लीजिएगा, जिससे आपको रोकेगा नहीं। मुझे लगता है कि स्नोफॉल भी मिल सकता है, मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं हायुलंग जा रहा हूँ, तो वहाँ में आपको स्नो मिल सकता है। मैं आपको दिखाऊँगा इस मौसम में, अभी थोड़ा 50-50 है क्योंकि मौसम अभी यहाँ का गर्मी हो गया है, गर्मी मतलब स्टार्ट हो गया है। तो मेरे पीछे जो है वो बॉर्डर है, और वही बॉर्डर में हम लोगों को क्रॉस करना है यहाँ से। और वो जो बॉर्डर है वो नामसाई का बॉर्डर है, नामसाई मतलब असम को और अरुणाचल को जोड़ता है। तो यहाँ में हम लोग का चेक पोस्ट है, यहाँ पे चेकिंग होगा, यहाँ पे चेकिंग होने हम लोग अपना आईडी चेक कराना पड़ेगा, और उसके बाद में हम लोग को एंट्री मिलेगा उस पार जाने के लिए, और वहाँ से अरुणाचल स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे साथ ये जा रहे हैं, ये ड्राइवर है मेरे, तो हम ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो बताइए आप क्या बोल रहे हैं, जो हाईलंग जा रहे हैं हम लोग, तो वो कितना बड़ा टाउन है? छोटा सा है, मतलब आइडिया से कितना बड़ा होगा ये? जितना छोटा दिख रहा है इतना ही है क्या? इतना ही। और रास्ता वहाँ का बहुत खराब है ना, रास्ता ऐसा बना हुआ नहीं है, रास्ता आधा अच्छा है और एक ही लाइन रास्ता है, पहाड़ सब दिखता है पूरा, पूरा पहाड़। वो तो पहाड़ पे ही है शायद, नदी है सर? नदी भी है। तो मैं आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, यहाँ में आपको अगर बॉर्डर पास जैसे करते हो आपको 100 रुपीज पर एक पास बनेगा, वो टेम्प्ररी पास होगा जो 100 रुपीज चार्ज लेगा एक आदमी का। तो आपको वो पास बनाना पड़ेगा तभी आपको एंट्री मिलेगा उधर जाने का। जैसे धूप बहुत आ रहा है, 100 रुपीज पर पर्सन। तो भाई मैं अभी एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिसको हाइट से डर लगता है और गाड़ी में जितना ज़्यादा ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल नहीं कर पाता, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको मैं पहले वार्निंग दे रहा हूँ, आप लोग के लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि जो रोड है और जहाँ का यहाँ का जो रोड है एकदम पतला रहेगा। वहाँ में आपको सिंगल लाइन का रोड मिलेगा, सिंगल लाइन का इन मीन्स कि आपको जो गाड़ी का व्हील रहेगा वो आधा व्हील हो सके तो कहीं कहीं बाहर हो सकता है रोड का बाहर, मतलब खाई, एक तरफ खाई रहेगा और एक तरफ पहाड़ रहेगा, पहाड़ को कटिंग करके रास्ता बनाया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, रिस्क भी है, तो मज़ा आएगा, एक एडवेंचर जगह है। और मैं पहला बार जा रहा हूँ उस जगह पर, ऐसे अरुणाचल गया हूँ पहले एक बार,
लेकिन उतना मतलब घुमा नहीं था उतना अच्छा से। इस बार जो जा रहा है वो एडवेंचर वाला जगह, पहले जो गया था वो रोड अच्छा था वहाँ का, वो हाईवे था, और इस बार जो रोड से जा रहा हूँ मैं वो थोड़ा रिस्की वाला हो जाएगा। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो में जितना कोशिश करता हूँ दिखाऊंगा, और आप वीडियो को लाइक करिएगा, और कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ गलती होता है तो कमेंट में मुझे करेक्ट करिएगा, जिससे मैं अपने वीडियो को सुधार कर सकूंगा। हो गया रजिस्ट्रेशन सब चीज़, अब चलते हैं अरुणाचल बॉर्डर क्रॉस कर। भाई आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक ठोक के जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीछे मेरा बैकपैक सब फेंका हुआ है, डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी बन गया। अब हम लोग रोड क्रॉस बॉर्डर क्रॉस करेंगे, और जो चेकिंग होगा उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स सिक्योरिटी रीजंस के कारण हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, और वहाँ में बहुत सारा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, तो वो फैक्ट मैं अभी नहीं बताऊँगा, आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ में आपको ऑरेंज बहुत सारा मिलेंगे, क्योंकि अरुणाचल का आता है यहाँ में, हाईलैंड का ज़्यादातर है ना, और यहाँ का जो ऑरेंज होगा आपको छोटा छोटा और बहुत ही मीठा मिलेगा, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा मीठा। साइज भी छोटा भी देखते हैं वहाँ में ऑरेंज का, ये वाकरो ये जो कामलांग है वहाँ का बड़ा साइज आता है। वाकरो कहाँ में पड़ता है? वही जो आपका जो पसराम कोट जाता है ना, हाँ, उससे पहले जो छोटा छोटा पहाड़ आता है। तो हम लोग सेफली अरुणाचल का बॉर्डर पास कर दिए ना हम लोग। बहुत देर के बाद में हम लोग तेजू पहुंच गए, और ये तेजू छोटा सा टाउन है। यहाँ में हम लोग थोड़ा देर का स्टॉप लिए, कुछ जरूरी काम था, तो वो करने के बाद में हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बस ज्यादा बड़ा नहीं है तेजू। एयरटेल का नेट चलेगा लेकिन बीएसएनएल का आपको नेट नहीं चलेगा, बीएसएनएल सिर्फ कॉल करने के लिए हो जाएगा। और यहाँ से आपको पहाड़ दिख रहा है, देखिए वीडियो पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन आँख से दिख रहा है वो, देखिए पहाड़ में व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है वो बर्फ है। हाँ बर्फ तो दिख रहा है, दरार जो है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ, यहाँ में आपको ना बियर या फिर जो अल्कोहल सामान सब जितना भी अल्कोहलिक हो गया ये सब आपको सस्ता में मिलेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ में टैक्स फ्री है, और टैक्स फ्री होने के कारण आपको आधा रेट में मिल जाता है। ये मेन टाउन है, तेजू मेन टाउन है। तो यहाँ में ऑरेंज मिल रहा है, और ये एकदम फ्रेश ऑरेंज है, पूरा ताज़ा पत्ते के साथ में मिल रहा है, मतलब पेड़ पर से तोड़ कर अभी आया हुआ है सब। और यहाँ में जो है ऑरेंज का सीजन जा चुका है, अब फरवरी लास्ट चल रहा है, और आज या तो हो सकता है ये दो तीन दिन बाद से आपको दिखेगा भी नहीं ऑरेंज। और यहाँ हल्का बादल है इसलिए धूप नहीं है, और ऊपर में तो पता नहीं बारिश का मौसम भी हो सकता है। तो यहाँ आने का सबसे अच्छा महीना होता है दिसंबर से जनवरी तक, क्योंकि उसके बाद से बारिश का मौसम जब हो जाएगा। तो भैया ये कमला कैसे करके है? 100 का कितना पीस है? 14 पीस। तो ये कहाँ का, कहाँ का संतरा है? ये लोकल है। लोकल कहाँ से आया हुआ है? चांगलन तरफ का। तो मेरे पीछे देख सकते हो ये फ्रेश लोकल ऑरेंज है, आपको फ्रेश ऑरेंज लोकल और कहीं नहीं मिलेगा यहाँ में, और लास्ट सीजन चल रहा है, और ये देखो बहुत ही मीठा होगा। अगर आप कभी भी आओ यहाँ, सबसे बेस्ट रहेगा दिसंबर या जनवरी के टाइम में आना, तो आपको फ्रेश ऑरेंज मिलेगा, मतलब ऑरेंज का बगान जो है ना वहाँ पे फोटोग्राफ्स बहुत अच्छा आएगा, वीडियो भी बहुत अच्छा बनेगा, मैं सजेस्ट करता हूँ आपको अगर आना हो तो आइएगा। तो भाई ऐसा है कि यहाँ में जो हम लोग को जाना है बहुत ज़्यादा दूर जाना है, हाईलैंड जाना है, और हाईलैंड तिनसुकिया से हाईलैंड जाने के लिए 250 किलोमीटर का दूरी पे है। तो यहाँ तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लिया है, और सबसे बेस्ट रहेगा आप लोग को अगर रुक रुक के जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मोशन सिकनेस हो जाता है, वॉमिटिंग वाला
हो जाएगा तो फिर आपको आगे जाने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ख़राब होने वाला है, पहाड़ का रास्ता बहुत ही पतला और बहुत ही ख़राब होगा, तो मज़ा नहीं आएगा जाकर। और यहाँ का जो रास्ता है, यहाँ का भी रास्ता ठीक है, तेजू तक का आपको रास्ता, और यहाँ तो हो सकता है उससे थोड़ा आगे तक का रास्ता अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके बाद ख़राब होगा। ये कुछ लोकल्स का घर है, लोकल्स का घर ऐसा दिखता है हमें, और उधर चारों तरफ पहाड़, पहाड़ से घिरा हुआ है, और हम लोग को इसी पहाड़ से ऊपर से आगे से जाना है, आगे से जाना है भाई। बहुत एडवेंचर प्लेस है, मज़ा आएगा जाकर, थोड़ा डरावना भी, डरावना भी वैसे ही है, जितना एडवेंचर होता है जितना मज़ा आता है ना देखने में, उतना डेंजरस भी होता है जगह। बारिश का टाइम में ये पूरा पानी भर भर के, क्या व्यू है भाई, क्या नज़ारा है यहाँ का। तो अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ आने का क्या प्रोसेस है। यहाँ अगर आपको आना है तो तिनसुकिया, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आते हो तो आपको पहले तिनसुकिया आना होगा, तिनसुकिया या तो डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ फ्लाइट से आ रहे हो तो डिब्रूगढ़, और ट्रेन से आ रहे हो तो तिनसुकिया। तिनसुकिया के बाद में आपको अगर टैक्सी हायर करते हो तो टैक्सी ठीक है, लेकिन अगर बस से आते हो, अगर बजट फ्रेंडली थोड़ा है तो आप बस से आ सकते हो। यहाँ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है आसाम ASTC, जो आपको हाईलैंड तक छोड़ देगा, और वहाँ से आपको आगे तक जाने के लिए आपको टाटा सुमो हायर करना होगा, तो क्योंकि ऊपर का रास्ता बहुत पतला हो जाता है और बस चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत रिस्की हो जाता है, तो बस में मत आना, बस में हालत ख़राब भी हो जाएगा, रास्ता बहुत पतला और बहुत घुमा फिरा कर ऐसे है गोल पहाड़ पर चढ़ने में, ऐसे ही हालत ख़राब हो जाता है। छोटा गाड़ी में हालत ख़राब रहता है, बड़ा गाड़ी में तो और ज़्यादा हालत ख़राब होगा। और यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड सब है, रोड सब उतना अच्छा नहीं है, मतलब आपको अभी मैं जिस रास्ते से आया हूँ वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे जाते जाते रास्ता ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये ब्रिज के आगे में आपको रोड एकदम पतला हो जाएगा और रास्ता एकदम ख़राब हो जाएगा, और सीधा एकदम ऐसे चढ़ाई होगा जिससे आपको मतलब मोशन सिकनेस होगा, उल्टी वाला अगर प्रॉब्लम है तो ऐसा होगा। और दूसरा बात कि यहाँ में रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब मिलने वाला है, अभी तक तो बहुत अच्छा मिला लेकिन अब स्टार्ट होगा ख़राब, इसलिए यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ में इतना नहीं है, और आबादी भी बहुत कम है ना यहाँ में, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। अभी इधर से अजीब सा आवाज़ आया बहुत ज़ोर से, तो वो हो जाएगा ना, तो या फिर वो गलत, वहां से अपना रास्ता खराब हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना ये तो ओपन घूम घूम है, दुनिया भर का जितना अंदर जाएगा ना। हाँ भाई, जो व्यू आ रहा है ना यहाँ से, गजब का व्यू आ रहा है। और आपको मैं बता दे रहा हूँ, जब तिनसुकिया से चलो ना तो रास्ते में कहीं अगर ढाबा मिल रहा हो, तेजू में मिल जाएगा ना, तेजू तक लास्ट मिलेगा, उससे आगे आपको नहीं मिलेगा, तो आप लोग खा के उधर ही से चल देना भाई लोग, और वहाँ से सीधा हाईलैंड तक आपको नहीं मिलेगा। हाईलैंड खाने के लिए है कि नहीं, मिल जाएगा, हाईलैंड में बढ़िया नहीं, इतना बढ़िया नहीं मिलेगा, नहीं तो ऐसे लोग सब तो अपना सामान लेके चलते हैं यहाँ बनाने के लिए। तो यहाँ में जो पेड़ का कलर है ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा के कारण शायद पेड़ का कलर बदल गया, रेड कलर, पिंक कलर का लीव्स का कलर हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। फोटो यार यहाँ पे बहुत मस्त आएगा। तो हम लोग जगह देख देख कर रुक रहे हैं और वीडियो शूट कर ले रहा हूँ मैं। अच्छा बात ये है कि गाड़ी हर जगह रुक रहा है, अच्छा अच्छा पॉइंट पे। अब थोड़ा देर, अभी हम लोग को अभी भी 5 घंटा लगेगा हाईलैंड पहुँचने में, हाईलैंड अभी बहुत दूर है यहाँ से। और वैसे यहाँ में ग्रीनरी देख सकते हो, कितना अच्छा ग्रीनरी है,
फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, लेकिन देखो बच के चलना अभी मैं देख रहा हूँ। कैटरपिलर सब है यहाँ में, बाप रे अभी तक देखा नहीं था मैं उस टाइम से, उस समय से मतलब मैं देखा नहीं था, अभी डर लग रहा है। तो अभी मैं आपको एक कीड़ा दिखाने वाला हूँ, बाप रे बहुत बड़ा बड़ा चींटी है, काट लिया ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये हाईलैंड का व्यू पॉइंट है और यहाँ से आप देख सकते हो मेरे पीछे खाई है और यहाँ सनसेट हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है। और यहाँ से आपको नदी जो दिख रहा होगा वो ब्रह्मपुत्र है और बहुत छोटा नाला के जैसा आपको दिखेगा। और यहाँ में आप जितने ऊंचाई पे जाओगे या अलग अलग नाम से कहा जाता है ये ब्रह्मपुत्र को, लोहित नदी है, पूरा लोहित नदी है, सिंगल नदी है, अलग अलग जगह में इसका नाम चेंज, नाम चेंज बनेगा, पूरा फैला हुआ लग रहा है अच्छे से, कितना सुंदर नजारा सनसेट का, छिलका तो समझे है ना, ले लो फोन, लो तुम्हारा फोन वहीं पे है। तो कैसा व्यू आ रहा भाई? तो यहाँ में आपको जो दिख रहा होगा वो जो ब्रिज है वही परशुराम कुंड का, वही पे कुंड है ना, वही पे कुंड है और ब्रह्म कुंड बोलते हैं उसको। और यहाँ पे 14 जनवरी को हर साल यहाँ पे आते हैं मकर संक्रांति का दिन यहाँ पे स्नान करने के लिए। और ये सामने पहाड़, और यहाँ में पहाड़ी पहाड़ है, उसमें जो वाइट वाइट जो ये दरार दिख रहा है वहाँ पे बर्फ जम जाता है, बर्फ जम जाता है। मैं आया था तो लास्ट वहीं तक आया था, वो ब्रिज तक, उसके ऊपर अभी आ जाने को मिला है, 5 साल हो गया। गजब का व्यू है, और यहाँ ठंडा ठंडा हवा भी तेज हो गया बहना, सुबह तक हालत खराब हो गया था गाड़ी में, गर्मी लग रहा था, अब यहाँ ठंडा लगना शुरू, अब यहाँ जैकेट वैकेट सब निकालना पड़ेगा। वो रहा ब्रिज, यहाँ पे हवा बह रहा है, हवा तेज हो गया यहाँ पे अब, और यहाँ से आपको परशुराम कुंड भी दिखाई देगा, वो वहाँ पे ब्रिज है, मैं वही तक गया था पहले एक बार, अभी इससे भी ऊपर है और इससे भी ऊपर अभी जाना भी है। तो हम लोग आ गए हैं सलगम, कुछ खाने पीने के लिए रुके, एक छोटा सा होटल, तेजू के बाद सीधा सलगम यहाँ। तो हम लोग आकाश होटल में रुके और ये जगह का नाम है आमलेट बना दीजिए, डबल डबल बना दीजिए, तीन जगह
करना शुरू हो गया है। तो भाई अभी ऐसा कुछ हो गया है, मतलब मैं क्या बताऊँ, रात में बीच सड़क पे और गाड़ी रुका हुआ है। अभी हम लोग रास्ता भटक गए हैं और समझ में नहीं आ रहा है किधर से जाना है। तो देख सकते हो कि कितना अंधेरा है यहाँ में, कहीं भी लाइट नहीं है, गाड़ी का लाइट से हम लोग यहाँ पे है। और आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, ये जो आवाज़ आ रहा है ना, मैं चुप हो जा रहा हूँ, आप सुनना। ये पानी का आवाज आ रहा है यहाँ में, सामने में लोहित रिवर है। चलो ठीक आया है हम लोग, ठीक है।